हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई विल डिस्कस ऑन अ टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास लेव इन दिस टॉपिक वी आर सीइंग देयर इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास लेव ए बी सी डी और यहां पर हम देखवा रहे हैं कि एक रे विच इज इंसिडेंटिंग विथ एंगल आई वन विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस इंटरफेस एंड इट रिफ्रैक्ट थ्रू अ एंगल आर वन विच इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग द रूल्स ऑफ रिफ्लैक्शन क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि द रे इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास और जैसा हमें समझ में आता है ग्लास इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम हेयर सो द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज दिस इज़ द रीज़न वाई दिस रे इज़ बैंडिंग टूअर्ट द नॉर्मल तो ये आप सभी समझते हैं देन क्या होगा आफ्टर बैंडिंग इट विल मूव स्ट्रेट विच इज़ द नेचर ऑफ़ लाइट एंड एट दिस सरफेस अगेन दे लीजे चेंज इन मीडियम इनसाइड दे लीजिए ग्लास आउटसाइड अगेन दे लीजिए एयर फिर से मीडियम में चेंज होगा एयर से ग्लास की तरफ फिर से इसके डायरेक्शन में डेवियसन आएगा और इस बार क्या होगा अब यह रे एयर से ग्लास की तरफ जा रही है तो इसके स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी और अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ रिफ्लैक्शन द रे विल डाइवर्ट द रे विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसे जाना चाहिए स्ट्रेट ये अवे हो गई और फेस्ट के इसमें क्या है रे का डायरेक्शन ये है लेकिन रे बैंड इधर हुई है रे को ऐसे जाना था डॉट डॉट में लेकिन इसने बैंडिंग लिया था क्योंकि यार रे टू डेंसर में रे इंटर की थी उसके बाद अब रे डेंसर टू रे जा रही है और अब इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया अब आगे हम लोग तो देखते हैं क्लास ट्वेल्थ में हमें यह चैप्टर पढ़ना पड़ता है नीचे क्लासेस में भी थोड़े बहुत हैं तो अकॉर्डिंग स्नेल्स लो हमें अभी और क्या दिखाना है सबसे पहले मैं थोड़े से और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस यहाँ कर लेता हूँ देखिए आप देखिए दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई वन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मैंने लिखा है विस इज आर वन और यहाँ आप देख पा रहे हैं इस इंटरफेस में दिस इज एंगल आई टू एंड दिस इज एंगल आर टू नेमिंग किया गया है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए दिस आई टू इज़ इक्वल टू आर वन क्यों ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप देख पा रहे हैं दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस लाइन ये दोनों पैरेलल हैं एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल पर जो परपेंडिकुलर लाइन होंगे दो दोनों आपस में भी पैरेलल होंगे और ये लाइन जो आप ऐसे देख पा रहे हैं ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं जिसकी वजह से आर वन विल इक्वल टू एंगल आई टू तो ये आप याद रखिए और ये जो आर टू है दिस विल इक्वल टू एंगल आई वन तो इस पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे तो ये अभी आप देख पाएंगे लेकिन आपको याद जरूर रखना है कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए अगर यहाँ पर थर्टी डिग्री है तो आपको पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर टू एंगल देन यू कैन से दिस इज अगेन दिस विल बी थर्टी डिग्री अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज और दिस विल बी इक्वल टू आर वन राइट नाउ यूजिंग स्नेल्स लो हमें क्या दिखाना है वी हैव टू प्रूव आई वन इज इक्वल टू आर टू हाउ सो यूजिंग स्नेल्स लो स्नेल्स लो को अच्छे से हम समझेंगे क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है दैट इज स्नेल्स लॉ वहाँ पर हम लोग तो पढ़ते हैं साइन आई बाई साइन आर वन हम लोग पहला इंटरफेस पर बात करेंगे ये बाउंड्री ए बी पर साइन आई बाय साइन आर वन क्या होता है दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसे हम लोग म्यू से सिंबलाइज करते हैं और ये बताता है दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर सिंपली आप कह सकते हैं दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आगे जब हम अलग वाले बाउंड्री में पहुँचेंगे दैट इज डी सी यहाँ पर साइन आई टू बाई साइन आर टू विल राइट साइन आई टू बाई आर टू दैट इज इक्वल टू म्यू ए दैट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्योंकि इसके बाद अब वो एयर में एंटर कर चुकी है सो दिस विल बी म्यू जी म्यू ए ओके एंड अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट वी कैन राइट दिस लाइक दिस इसे और हम लोग डिनोमीटर uh, में ले जाते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे और इट विल बी वन म्यू जी राइट अब आगे देखिए क्या करना है सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख पाएंगे इस राइट वाले के साथ इसको करिए एंड यू कैन सी दिस दिस टू टर्म्स विल कैंसल आउट एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको जैसा कि मैंने अभी बताया था आर वन इज़ इक्वल टू आई टू मैं फिगर आपको दिखला देता हूँ दिस आर वन इज़ इक्वल टू आई टू वाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो ये चीज़ को मैंने यहाँ दिखा लिख दिया है जिसकी वजह से मैं इस आई टू को आर वन लिख देता हूँ किसी को भी चेंज कर सकते हैं दोनों में से तो आर साइन आर वन एंड साइन आर वन आर वन विल कैंसल आउट एंड रिमेन्स साइन आई वन डिवाइडेड बाई साइन आर टू विच इज इक्वल टू वन यहाँ से आपको समझ में आ गया यू कैन राइट आई वन डिवाइडेड बाई आर टू दैट विल इक्वल टू वन सो वी कैन राइट आई वन इज इक्वल टू आर टू कहाँ देख पा रहे हैं दिस आई वन विच इज़ इक्वल टू आर टू विच इज़ इक्वल टू आर टू तो हम लोगों ने इस तरह से इस चीज़ को दिखा दिया लेकिन ये दिमाग में हमसे याद रखना है जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या भी छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे तो उस वक्त हमें ये प्रॉपर्टीज का यूज़ करना पड़ेगा और छोटा सा बात हम लोग यहाँ करेंगे लैटरल शिफ्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो रे है जो इंसिडेंट हो रही थी इसका आ, रियल डायरेक्शन ऐसे था लेकिन इस ग्लास की वजह से इसके पाथ में डाइवर्सन हुआ है ये दो बार डेविएट हुई एक बार इस ग्लास में उसके फिर से एयर में आने के बाद दो बार ये डेबेट हुई है और फाइनली क्या हुआ कि अपने इनिशियल रे के पैरेलल ही जा रही है ये लाइन आप देख पा रहे हैं दिस इज पैरेलल टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे और जो भी शिफ्टिंग हुआ है जो इसका पाथ में एक शिफ्ट है ये जो रे है ये डॉट डॉट लाइन से आ रही थी लेकिन बस शिफ्ट होकर के अब ये इस लाइन से जा रही है तो इस शिफ्टिंग को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट और या फिर इसे हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट और इसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमरजेंट रेज देख पा रहे हैं ना दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर आप नाइन्टी डिग्री ऐसे करके बना सकते हैं दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे इस रे को हम लोग इमरजेंट रे बोलते हैं इस एंगल को इमरजेंट एंगल बोलते हैं और इसको आप जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर इस बाउंड्री की बात करें तो इस अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंट राइट तो आज के टॉपिक तो में इतना ही थैंक यू